साइन हो गया, लेट मारे लेट, ये लो ये सारे मेरे आई थिंक सारे ऑर्डर मेरे चेहरे पे ही मिल रहे हैं बट मेरी आत्मा को छुआ है माँ फुल आपको समझना पड़ेगा, ये लोग हमें सुना सुना के इतना एंटरटेन करते पूरे गाड़ी में जब जा रहे हैं, तो सबके सब फुल ऑफ लाइफ है, आरजे भी फुल ऑफ लाइफ है, जो यहाँ का क्रू है वो भी सब रील वील बना रहे हैं, तो बहुत मज़ा आया, इट वॉज फन। नहीं अभी तो 90s के गाने के सुनाए उन्होंने मुझे, पुराने पुराने, आजकल तो अलग अलग गाने और फास्ट हम भूल जाते हैं आजकल के गाने, 90s के गाने आप भूल नहीं सकते, अभी तक ये सब गाने याद हैं, बट आई थिंक जो आज की जनरेशन है वो आज के गाने नहीं भूलेगी, तो यही होता है हर जनरेशन रिमेंबर्स देयर सॉन्ग्स। अच्छा हेलो हेलो मिस पांडे, इसको भी यहीं ले क्या, अलग अलग लोग खतरों गई थी मेरी बीवी के साथ, याद है डीना? How can I forget? How can I forget? भगवान करे, तभी 19 साल की थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, अभी अभी रेडी है, अब रेडी हूँ मैं खतरों के खिलाड़ी के। यार बैंड बजा नहीं जाना क्यों है, है ना, व्हाट डू यू सेइंग? ये अमन और शांति वाली लड़की है, हाँ? कितना अच्छा लगता है ना, पूनम पांडे अमल शांति, है ना, it just sounds so good ना together, है ना, अमन और शांति वाली पूनम पांडे, पूनम पांडे अमल शांति। क्यों ना, अगर मुझे ऑफर आएगा तो कर लूंगी, एक्सपेंसिव नहीं ऑफर कर दो बस। यूजुअली हम आपको देखते हैं कुछ एकदम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लुक में, लेकिन आज का जो लुक है इट इज लाइक समर स्टाइल एंड समथिंग डिफरेंट, डू यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट? हां आई लिव वेरी क्लोज बाय, मेरे पास वक्त नहीं था रेडी होने का, मैं आई जस्ट वांटेड टू कीप इट कैजुअल एंड सिंपल, ये मैं 10 मिनट में रेडी होके यहां पे आ गई हूं। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, करण था यहाँ पे, करण कुंद्रा, आई मेट हिम एंड नाउ आई मीटिंग बिंदु आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, आई रिमेंबर मीटिंग हिम इन खतरे खिलाड़ी डेज, एंड यहाँ पे बहुत प्यार मिला है मुझे, मैं जब आई तो दे ऑल यू नो चीयर्ड फॉर मी, एंड अच्छा लगता है इतने यू नो, भगवान करे 80 साल तक एंटरटेन करूँ। पूनम पांडे का ऑटोग्राफ मेरी शक्ल पे, ये वाला आप भी कर रहे, कोई लिख रहा है, कोई किस कर रहा है, क्या क्या, आप मेरे को उठा के फेंक देना, आज आज इसके साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत मजा आ रहा है, बट नो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू नो मिर्ची इज लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट एवर वीडियो ऑडियो पॉडकास्ट, जो कि आज तक इंडिया में नहीं हुआ है, बाहर एलन डिजेनरेस करती हैं, बाहर जिमी किमेल करते हैं, लेकिन इंडिया में रेडियो रेडियो होता है, टीवी टीवी होता है, रियलिटी शोज होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, उसको मैरी करना एंड दीज पीपल अग्रीइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इनफैक्ट वंस यू वी आर स्टिल अबाउट टू शूट विद सर, इनको मैं ज़रूर बुलाना चाहता था, क्योंकि आई थिंक रियलिटी टेलीविजन में टॉकिंग टू द कैमरा इंट्रोड्यूस अगर किसी ने किया है तो वो इन्होंने किया है, जब मैं घर में घुस रहा था मुझे करण पटेल ने बोला था कि तू इनके वीडियोस देख के जा, ये कैमरे से कैसे बात करते थे, एंड आई थिंक पूनम पांडे ने जिस तरीके मुझे से भी और थोड़ा सा ये मुझे भी बता भाई, आपने जो रियलिटी शो में किया उससे तो हम कभी नहीं कर सकते
सो आई वुड जस्ट वांट टू से दैट पूनम ने जिस ऑनेस्टी के साथ लॉकअप में पूरा अपना स्टिंट निकाला है एंड वी गॉट टू सी द स्वीट साइड ऑफ हर यू नो लाइक व्हेन वी सी पूनम पांडे वी सी अ हॉट वुमन बट वी सॉ दैट हाउ स्वीट शी इज दैट वो दोस्तों के लिए बाहर आ जाती है तो आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। How stupid of me, right? No, but I think how sweet. चांगली मराठी मुलगी आहे तुम्ही। Proper महाराष्ट्रीयन आहे मी। बस तो कर दिया दोस्तों के लिए। कारण म्हणजे मला मराठी येत नाही पण मिरची लालो म्हणून बोलावंच लागेल। मी तुझा खूप प्रेम करतोय। मी तुला खूप प्रेम करतो। हा मी तुला खूप प्रेम। तर म्हणजे आता बिग बॉस चालू होणार तर तरच मैं तो घुसी भी जीत के आऊंगी मार मार के जीत के आऊंगी क्यों नहीं पहला रियलिटी शो है मैं 10 हफ्ते तक टिकी वहाँ पे यूनिवर्स है साथ में हाउ डू यू नो आप खुद ही बोला है तो हाँ ऑफ कोर्स आई डिडंट मेंशन फ्यू डेज अगो कांट टॉक अबाउट इट मच सॉरी आई ये इतना घटिया जवाब है ना ये मुझे भी बोर होता है बट मैं नहीं बात कर सकती मैं क्या करूँ अरे क्योंकि मुझे पहले स्क्रिप्ट उस वेब सीरीज में पूनम पांडे ओ क्या जवाब है यार इस वेब सीरीज में मैं हूँ माय मूवी विल कम नाउ ऑन द आई थिंक जून में कौन से डेट पे आएगी G5 पे विक्रांत मैसी राधिका आप्टे हम लोग है फोरेंसिक करके एक पिक्चर है बहुत अच्छी क्या बात है एक सवाल आपकी तरफ से मैं इनसे पूछूं कि मेरे को ये जानना है मुझे जेन्युइनली जानना है कि इनका मसल कभी ड्रॉप कैसे नहीं होता और ये तो मुझे भी जानना है ना ड्रॉप हो चुका है भाई अभी थोड़ा कम हो ये ड्रॉप हुआ है मेरा देख लो ये तो खेलेंगे ना मेरे से एक इधर एक उधर हाँ ये क्या चक्कर है तेरा ये करण के साथ जो रेड मार्क थे वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसने क्या लिखा था भाभी है ये जो रेड मार्क है वो ये लाल रंग मुझे पूनम ने दिया है ये लाल रंग ये लाल जजता है ये लाल इश्क ये तो इसकी लिपस्टिक भी नहीं है ये कुछ और है कुछ क्या कुछ स्क्रैच किया है ये पूनम पांडे मुझे लिखने का मन कर रहा था मुझे शार्दुल की शक्ल दिख गई मैंने लिखना देखो ऐसा है आप मुझे समझ गया मैं आप मुझे देता हूं तेरे मुंह पे कुछ भी लिख करेक्ट आप मुझे खुद बताओ पूनम पांडे अगर बोल रही है कि तेरी शक्ल दे दे मैं ऑटोग्राफ देना चाहती हूं कौन लौंडा है जो नहीं देगा एक और चाहिए ओह गॉड नहीं मैं उससे बेटर चीजें बताऊंगी टू ऑल माय फैंस फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस है इनकी मूवी आ रही है एंड ऑफ कोर्स मैं इनके साथ पॉडकास्ट में यहाँ पे काम करूंगी एंड आई वांट माय फैंस टू यू नो स्टे विद अस वी ऑल आर आर्टिस्ट एंड वी जस्ट वांट टू एंटरटेन यू तो या बस हमारे हमें प्यार देते रहिए थैंक यू सो मच थैंक यू रोल डन बचपन में मिली थी Yes. I would love to. Ah, bhai, Shahrukh.